फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे स्पॉन्जी केक। सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। इधर मैंने लिए हुए हैं 4 एग वाइट, 4 एग व्हाइट। अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने 3/4 कटोरी का हिस्सा लिया हुआ है शुगर पाउडर। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने एग का येलो वाला पार्ट लिया हुआ है, इसको भी हम डालकर अच्छे से फेंट लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे, ये हमने कुकिंग ऑयल लिया हुआ है 125 ग्राम, इसको डालकर अच्छे से फेंटेंगे। ये हमने 1 कप मैदा लिया हुआ है, इसको छान लेंगे। एक चम्मच हमने यहाँ पर वनीला पाउडर लिया हुआ है, ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो लीजिएगा। यहाँ पर 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। इन सब चीज़ों को भी छान लेते हैं। और अब हैंड व्हिस्क या 1 स्पून लेकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एक ही डायरेक्शन में। मिक्स करने के बाद हमें बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो हम इसमें 4 चम्मच दूध और ऐड करेंगे। ये हमने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध लिया हुआ है, इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर अब हमारा रेडी है, तो चलिए एक हम बर्तन लेंगे जिसमें हमें केक को बेक करना है। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा पॉट लिया हुआ है। अगर आपके पास केक टिन है तो आप उसमें ही केक को बेक करिएगा। तो इसमें अब हम लगाएंगे एक बटर पेपर। बटर पेपर लगाने से पहले हम इसको थोड़े से ऑयल डालकर ग्रीस कर लेते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करके भी बैटर को डाल सकते हैं। ये मैंने बटर पेपर लिया हुआ है, इसको रखेंगे तली में जिससे केक नीचे से चिपके ना बिल्कुल भी। अब हम इसमें बैटर डालेंगे। बैटर डालकर हम बर्तन को टैप करेंगे। टैप भी हमने कर लिया है, अब चलते हैं गैस की ओर। इधर हमने एक पॉट गैस पर रखा हुआ है, इसको रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पर। ये काफ़ी गर्म हो चुका है। हमने इसके अंदर 1 कप नमक डाल के रखा हुआ है और अब हम इसके अंदर रखेंगे एक जालीदार स्टैंड इस तरह का। अगर आपके पास जालीदार स्टैंड नहीं है तो आप एक बाउल रखें जिसके ऊपर हमारा बैटर वाला बर्तन आसानी से आ सके। बैटर वाले बर्तन को रखेंगे पॉट के अंदर। ध्यान से रखिएगा, पॉट बहुत तेज गर्म है। अब हम इसको
इसकी लीड से कवर कर देते हैं। इसमें जो लीड में एक होल है, इसको हम एक पेपर रोल करके बंद कर देते हैं इस तरह से। अब हम 30 मिनट के बाद केक को चेक करेंगे, तो अभी हम बेक होने के लिए इसको छोड़ देते हैं। 30 मिनट हो गए हैं केक को बेक होते होते। अब हम लीड हटाकर केक को चेक कर लेते हैं एक नाइफ या फॉल्कन लेकर। केक अभी हमारा थोड़ा सा रह रहा है, तो हम 5 मिनट और बेक कर लेते हैं इसको फिर से लीड रख के। फिर से हो गए हैं, केक को चेक कर लेते हैं। केक हमारा बिल्कुल रेडी है बेक होकर। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और पॉट को इसके अंदर से निकाल लेते हैं एक प्लायर लेकर। केक को अब हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। फ्रेंड्स, केक हमने निकाल लिया था पॉट में से। अभी हम दिखा देते हैं आपको ये कितना स्पॉन्जी बना है। ये देखिएगा, प्रेस करने पर ये कितना दब रहा है। अभी हम फ्रेंड्स केक को काट के भी दिखा देते हैं आपको ये कितना परफेक्ट बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? इसी के साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।